आज हम अपनी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम व्यावसायिक वित्त है। व्यावसायिक वित्त मतलब बिजनेस फाइनेंस। व्यवसाय के लिए जो वित्त जरूरी होता है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। तो इसके बारे में शुरू करते हैं चर्चा। सेकंड बुक में से हम, ये हमारा दूसरा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण कम्प्लीट किया है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है। व्यवसाय के लिए जो वित्त जरूरी है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक वित्त को व्यावसायिक वित्त कहा जाता है, बिजनेस फाइनेंस। दूसरा क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध का क्या अर्थ है, यानी कि जो व्यवसाय के लिए जो जितने पैसे की जरूरत है, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं हमारी, अलग अलग जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जो भी पैसा चाहिए, हमें अपने डेली खर्चे निकालने के लिए पैसा चाहिए, हमें बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कोई नया प्रोजेक्ट लेने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जितने भी पैसे की, जितने भी वित्त की आवश्यकता है उसको अरेंज करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो वित्तीय प्रबंध की क्या परिभाषा है ये हम नोट कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध का अर्थ है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, वित्त की इष्टतम उपलब्धता। इष्टतम उपलब्धता का मतलब होता है उचित कीमत पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमें जितने भी वित्त की आवश्यकता है, अगर उस समय 15% ब्याज पे वो मिल रहा है तो हमने 15% पे ही ले लिया, जबकि अगर हम थोड़ा समय रुकें तो हम 12% पर भी उसे ले सकते थे, या हम वित्त का कोई और स्रोत चुन सकते थे। तो उचित दर पर, उचित कीमत पर वित्त को इकट्ठा करना वित्त की इष्टतम उपलब्धता। और सिर्फ वित्त एकत्रित करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, हम ये भी देखते हैं कि हम साथ के साथ उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करें, उसका उचित उपयोग भी करें। तो वित्तीय प्रबंध का क्या मतलब है, इसमें दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है। वित्तीय प्रबंध का मतलब है वित्त की इष्टतम उपलब्धता और उसका उचित उपयोग, यानी कि सही कीमत पर वित्त प्राप्त करना पहली बात, और दूसरा उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम ये जो वित्तीय प्रबंध करते हैं, या आखिर हम वित्तीय प्रबंध क्यों करते हैं, कोई भी व्यावसायिक संगठन वित्तीय प्रबंध क्यों करता है, वित्त की इष्टतम उपलब्धता यानी कि सही लागत पे वित्त मिले भी और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी हो, ऐसा वो क्यों करता है या उससे क्या फायदा होता है। अगर हम पैसे को सही जगह लगाते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, कोई वेस्टेज नहीं करते हैं, तो ऐसे करने से कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, लाभ बढ़ता है उसका। जब कंपनी का लाभ बढ़ता है, अगर हम एक सार्वजनिक कंपनी की बात करें, सार्वजनिक कंपनी मतलब जो अपने अंशों के लिए जनता को आमंत्रित करती है, जिसके शेयर्स शेयर मार्केट में बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, ऐसी कंपनी, अगर ऐसी कंपनी के शेयरों के, अगर ऐसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो ऐसी स्थिति में जब उसको प्रॉफिट होगा तो उसके शेयर के दामों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके शेयरों के प्राइजेस बढ़ेंगे। जब उसके शेयरों के प्राइजेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावनाएं होंगी, यानी कि अंशधारकों की रिटर्न बढ़ेगी। तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारकों की धन संपदा को अधिकतम करना है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है अंशधारकों की धन संपदा को अधिकतम करना। अब अंशधारकों की धन संपदा को कैसे अधिकतम किया, एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले जब हमने वित्त का सही तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे ही हमने वित्त का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ किया, हमारे लाभ में वृद्धि हुई। जब प्रॉफिट बढ़ा तो मार्केट में हमारी अच्छी इमेज बनी। जब मार्केट में हमारी अच्छी इमेज बनी तो हमारे शेयरों के दाम मार्केट में बढ़ गए, शेयरों के दामों में उछाल आया। और जैसे ही हमारे शेयरों के दाम बढ़े, डेफिनेटली अंशधारकों के जो शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर के पास में 10 रुपये का एक शेयर था, जब शेयरों के दाम बढ़ गए तो वो शेयर की कीमत 10 से बढ़कर 12 हो गई। तो उसके शेयरों की जो जो उसकी एसेट थी, जो उसकी वेल्थ थी, संपत्ति थी, वो 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो गई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध से कैसे अंशधारकों की धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है पहले जरा उसको समराइज कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में एक एक चीज को अगर हम साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे तो हमें टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे व्यावसायिक वित्त का मतलब व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक वित्त को व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। फिर वित्तीय प्रबंध क्या है, दो बातें, वित्त की इष्टतम उपलब्धता और वित्त का उचित उपयोग। तीसरी बात,
वित्तीय प्रबंध का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंशधारकों की धन संपदा को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। और इसको हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? वित्त का कुशल उपयोग करेंगे। जब हम वित्त का कुशल उपयोग करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इमेज अच्छी होगी, इमेज अच्छी होगी तो शेयर बाजार में पॉजिटिव असर आएगा। पॉजिटिव असर आने का मतलब शेयर बाजार में उन शेयरों के दाम बढ़ेंगे, और जब उन शेयरों के दाम बढ़ेंगे तो अंशधारकों की धन संपदा में वृद्धि होगी। तो तीन टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के वित्तीय निर्णयों की। क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, वित्तीय निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। वित्तीय निर्णय कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें जरूर मिलता है। तो हम इसमें आंसर देंगे कि वित्तीय निर्णय जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के वित्तीय निर्णय होते हैं। कौन कौन से वित्तीय निर्णय हैं उनके नाम लिख सकते हैं। नंबर वन, निवेश संबंधी निर्णय। नंबर टू, लाभांश संबंधी निर्णय। और नंबर थ्री, वित्तीय निर्णय। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, निवेश संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय और वित्तीय निर्णय। निवेश संबंधी निर्णय का दूसरा नाम पूंजी बजटिंग निर्णय भी होता है। पूंजी बजटिंग डिसीजन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इंग्लिश में इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। लाभांश संबंधी निर्णय का दूसरा नाम नहीं है, इसका इंग्लिश में नाम है डिविडेंड डिसीजन। और वित्तीय निर्णय को इंग्लिश में हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। अब इन तीनों में क्या होता है? देखिए, निवेश संबंधी निर्णय मतलब जो हमारे पास पैसा है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट हमेशा हम एसेट्स में करते हैं, और आपको पता है एसेट्स जो है वो दो तरह की होती हैं। कैसी कैसी? करंट एसेट होती है और नॉन करंट एसेट होती है। एक वो एसेट जो थोड़े समय के लिए हमारे पास है, और एक वो एसेट जो लंबे समय के लिए हमारे पास है। थोड़े समय के लिए, जैसे हमने कच्चा माल खरीदा या बिना बिका हुआ माल हमारे पास पड़ा हुआ है, स्टॉक है। अगर अब की बार माल खराब आ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार हमारा माल ठीक आ जाएगा। तो ऐसे निर्णय अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो हम उनको दोबारा ठीक कर सकते हैं। जो हम दीर्घावधिक निर्णय लेते हैं उन एसेट्स में पैसा लगाना जो एसेट्स लंबे समय तक हमारे पास रहती हैं, जैसे कि कोई करोड़ों की मशीन हमने खरीदनी है, तो क्या अगर हमने एक बार कोई करोड़ों की मशीन गलत खरीद ली तो दोबारा से उसको डिसीजन को वापस लेना क्या इतना आसान होता है? नहीं होता है। तो निवेश तो दो तरह का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। लेकिन क्योंकि अल्पकालीन शॉर्ट टर्म जो होता है वो अगर अभी गलत हो गया तो अगली बार हम उसे ठीक कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो दीर्घकालीन निवेश निर्णय है, यानी कि जो फिक्स एसेट्स में, मशीन में, प्लांट में, बिल्डिंग में, इनमें जो हमने पैसा लगाया है, अगर ये डिसीजन हमारा गलत हो जाए तो हमारे लिए बहुत सोचने की बात हो जाती है। इसलिए निवेश संबंधी निर्णय का मतलब होता है स्थायी संपत्तियों में जो हम निवेश करते हैं। दूसरा है लाभांश संबंधी निर्णय। लाभांश, लाभांश मतलब लाभ का अंश, जो प्रॉफिट होता है। कंपनी को कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में देना होता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो इस डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना पैसा अपने पास रखे और कितना पैसा शेयर होल्डर्स को दे दे। तीसरा, वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय का मतलब होता है जितना पैसा कंपनी ने इकट्ठा करना है उस पैसे में से कितना वो अपना पैसा लगाए शेयर्स के माध्यम से, और कितना पैसा उधार का या डिबेंचर्स या लोन के माध्यम से इकट्ठा करें। इन तीनों डिसीजंस के बारे में अलग अलग हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना नोट कर सकते हैं।